अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताऊंगी आपको बेस लगाने का सही तरीका। मेरी इस वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सी टिप्स आपको देखने को मिलेंगी। मैंने लिए हैं दो बेसेस, लिक्विड बेसेस, जिसमें एक मैबलिन है और दूसरी जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। आप कोई भी ले सकते हैं इसकी जगह, आप डर्माकोल की भी ले सकते हैं, आप न्यूट्रोजिनो की भी बेस ले सकते हैं। इनको अच्छी तरह मिक्स करके जो आपकी क्लाइंट है उनकी स्किन टोन के मुताबिक आप बेसिस लेंगे, उसको अच्छी तरह मिक्स करके इनके फेस पे ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर देंगे। और जिस तरह टैप टैप मोशन में मैं ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ, उसी तरह आप ये बेस को ब्लेंड करते जाएंगे फेस पे, हर जगह पे। आप देख सकते हैं मेरा ब्रश करने का तरीका भी बहुत इजी तरीके से ये लगती है। पहले तो लोग ब्लेंडर और उसकी हेल्प से लगा करते थे, लेकिन आजकल ब्रशेस की जो नई टेक्निक्स आई हैं उनसे आपको बहुत ईजी हो जाता है, टाइम भी आपका सेव हो जाता है और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है बेस। आप एंड रिज़ल्ट देखेंगे, और अभी आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गई ये फेस के साथ, बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि हमने टू लिक्विड मिक्स किए हुए। आप बेस में हुदा ब्यूटी को भी यूज़ कर सकते हैं, मैबलिन के साथ अच्छे से मिक्स करके लगा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आपको अपनी क्लाइंट की स्किन टाइप का पता होना चाहिए कि वो ऑयली है, ड्राई है या कम्बाइंड स्किन है। क्योंकि अक्सर गलत लिक्विड फाउंडेशन लगाने से आपकी क्लाइंट का मेकअप या आपने खुद के ऊपर अगर मेकअप अप्लाई किया तो आपकी जो लिक्विड फाउंडेशन है वो डीऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाती है, या फिर आपको ग्रे ग्रे लगता है अपना। आप हमेशा जो है अपने से एक टोन लाइटर आप लेंगे और वो लिक्विड बेस लगाएंगे, क्योंकि उसके बाद हमने कंटूर और ब्लश ऑन वगैरह भी लगाना होता है। अब देखिए, मैंने लूज़ पाउडर लिया, उसको टैप टैप मोशन में फुल फेस के ऊपर लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसके लिए ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ और अच्छे से टैप टैप करके उसको लगा रही हूँ। इसको लूज पाउडर और बेकिंग पाउडर दोनों कहते हैं। अब आप एंड का रिज़ल्ट देखेंगे, बहुत लॉन्ग लास्टिंग बेस होती है जब भी आप लूज पाउडर को यूज़ करते हैं। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक दें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आप देख लें ये कितने अच्छे से ब्लेंड हुई है। चलें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।